नमस्कार, मैं हूं छोटे खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे झारखंड। बैंक कर्मी और गार्ड की दिलेरी से बैंक लूट का प्रयास असफल। पीछा कर पुलिस ने दो अपराधियों को आर्म्स के साथ पकड़ा। जी हां, मैं आपको बता दूं, धनबाद जिले के तुंडी थाना क्षेत्र के लोधरिया मोड़ के पास बैंक ऑफ इंडिया के संग्राम डी शाखा में अपराधियों ने आज लगभग 9 की संख्या में लूट का असफल प्रयास किया। जी हां, लेकिन बैंक कर्मियों और गार्ड ने दिलेरी दिखाई और धक्का मुक्की के बाद से सभी अपराधी काले रंग की चार बाइक पल्सर पर सवार थे। आप हमारे स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जवान ने बचाया बैंक को लूटने से। जी हां, गोविंदपुर और बरवड्डा थानेदार के जाल में फंसे अपराधी। धनबाद से न्यूज टुडे के लिए छोटे खान की रिपोर्ट। टुंडी थाना अंतर्गत लिदारिया में एक सूचना में प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां पे बैंक में घुस के लूटने की कोशिश की गई, लोगों से पैसा छीनने की कोशिश की। परंतु बैंक के जो कर्मी थे उन्होंने काफ़ी सतर्कता दिखाते हुए त्वरित बैंक का सायरन को एक्टिवेट किया। जैसे सायरन बजने लग गया, जो अपराधी तत्व थे वो वहाँ से भाग निकले। उनको छिनतई करने में या लूट करने में किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई और वो जैसे ही भागे तो पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने जहाँ जहाँ भागने के रास्ते थे उस जगह पे नाकाबंदी करके उसमें चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान तीन व्यक्ति हमारे चेक नाका को क्रॉस करते हुए हमारे एक जवान को जख्मी भी कर दिया, लेकिन जवान ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए उनको पकड़ने की कोशिश की। जब वे तीन व्यक्ति वहाँ से आगे निकले, उसके पश्चात एक और चेक पॉइंट जहाँ लगा हुआ था वहाँ से अभी फिलहाल एक व्यक्ति को हम लोगों ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दो व्यक्ति वही अगल बगल में छुपे रहने की बात है। मुझे लगता है कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो हो सकता है वो दोनों व्यक्ति भी पकड़े जाए। तो पुलिस ने भी काफ़ी मुस्तैदी दिखाई है। जो घटना में संलिप्त अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हथियार के साथ करना मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी हम लोग के लिए है। साथ ही बैंक वालों ने जो तत्परता दिखाई, जो मुस्तैदी उन्होंने दिखाई सायरन ऑन करने में, जिस वजह से लूटपाट की घटना को अपराधी अंजाम नहीं दे पाए, एक रुपए की भी छिनतई या लूट अपराध कर्मी नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं बैंक के जो संबंधित पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और उनको भी हम लोग अलग से पुरस्कृत करने की कार्रवाई करते हैं। कितनी संख्या थी सर उसमें? अभी संख्या क्लियर हो नहीं पा रही है। इनिशियल जो सूचना मिली थी वो तीन या चार अपराधियों की थी, लेकिन इसमें जब सीसीटीवी फुटेज और बाकी लोगों का स्टेटमेंट लिया जाएगा उसके पश्चात एग्जैक्ट जो संख्या है वो सामने आ सकती है। परंतु फिलहाल अभी एक व्यक्ति पिस्टल के साथ पकड़ा गया है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। आधा घंटे में हम लोगों ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो सर व्यक्ति उसी गिरोह का था है या कोई अलग से एक्स्ट्रा पकड़ा है? नहीं नहीं, वो जो हमारे जवान को इंजर्ड करके जो व्यक्ति भाग रहा था, जो बैंक में लूट का प्रयास किया है, उसी गिरोह का ये व्यक्ति पकड़ा गया। सर चिरकुंडा में जीतन मुंडा। हाँ, जीतन मुंडा। जीतन मुंडा क्या हुआ था? हम लोग अतिक्रमण में ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, तो अतिक्रमण ड्यूटी करने के दौरान हम लोग को पता चला कि लोधरिया जो टूनी पड़ता है वहाँ बैंक लूटपाट हुआ है। हाँ, उसी में हम लोग चेकिंग लगाए थे। अच्छा, चेकिंग के दौरान वो जो तीन सवार थे हाँ उसी समय पहुँच गए। हाँ, उसी